हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 स्टार, और इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356, और दूसरा इंस्टा पे पेज है सिमी टैरोट 1972, और फेसबुक पे मेरी आईडी है मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से। तो रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने ये एनर्जी ओरेकल डेक से मैसेज लिए हैं, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, ये एंजल मैसेज हैं, रोमांस एंजल मैसेज मैं आप लोगों के सामने लूंगी। एनर्जी ओरेकल डेक मैंने निकाल के रख ली हैं, देखते हैं क्या आया है उन मैसेजेस में। और रीडिंग आज ये है कि जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के पास हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, आप लोगों से बड़े दिनों से वो कट ऑफ हैं, तो वो क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के साथ रह के, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। और अगर वो ये भी देखना हमें, क्या वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ या वो परेशान है थर्ड पार्टी के साथ, ये देखना है। मैसेज आप लोगों के सामने निकलेंगे। ये लेना है रोमांस एंजल से। चलो बस, और बॉटम में कौन सा है पता नहीं। चलो बाकी कार्ड मैंने साइड पे कर दिया। एनर्जी ओरेकल डेक से मैं बाद में लूंगी, पहले मैं टैरो ले रही हूँ आप लोगों के सामने। जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं। एट ऑफ सोर्स, क्या थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। फाइव ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप, अच्छा धोखा दिया इस इंसान ने। फोर ऑफ कप, आपका ऑफर रिजेक्ट किया। द एम्परर, अपने आप में बहुत सोचता है ये इंसान की जाने मैं पता नहीं क्या ही हूं। एट ऑफ कप, धोखा बहुत हुआ इस रिश्ते में आज की जो रीडिंग। द डेविल, धोखा हो और डेविल ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मेरा वही डायलॉग होगा अब। चलो जी, अब देखते हैं क्या थर्ड पार्टी के साथ बड़े खुश हैं, क्या मिस करते हैं आपको। एट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वैंड, फाइव ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वैंड, थर्ड पार्टी के साथ बड़े खुश रहते हैं क्या ये आपके पर्सन। एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप, पेज ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस, ओह वाओ, अब बराबर की टक्कर होगी। और द डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ वैंड, वाओ वाओ वाओ, फोर ऑफ कप, दो कार्ड इकट्ठे आ गए। देखो ये इस इंसान कैसा लग रहा है, खुश लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ। अब आप लोग खुद देखो ये कार्ड और मुझे बताओ कि आपको इस कार्डों में क्या दिख रहा है। एक इंसान बहुत स्टक हो गया, आपकी एनर्जी मैं नहीं लेना चाहती इन कार्डों में, सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी होगी और थर्ड पार्टी की एनर्जी होगी। ये इंसान एट एट हमें यहाँ कितनी बार दिख रहा है, तीन बार, एट एट एट, तीन बार यहाँ पे एट दिख रहा है। तो ट्रिपल एट एंजल नंबर देख लेना क्या मतलब होता है। नंबर इंपॉर्टेंट है, नाइन एट एट फाइव एट एट, ओ माय गॉड, यहाँ तो चार बार एट आया हुआ है, चार बार एट है यहाँ पे, चार बार, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे फोर फोर थ्री सिक्स। ये नंबर किसी के लिए, ये मंथ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये देख लेना आप लोगों के लिए। किसी के लिए एट मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए फोर्थ मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, अप्रैल का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए नाइन मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए फिफ्थ मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसी के लिए हाँ तीसरा महीना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, और किसी के लिए पंद्रहवा महीना कह रही हूँ। फाइव प्लस वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो छठा महीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं,
वो क्या सोचते हैं आपके बारे में ये देखना है। ये इंसान बहुत स्टक है। पहला ही कार्ड आपको एट ऑफ सोर्ड्स का दिख रहा है, दूसरा फाइव ऑफ सोर्ड्स का दिख रहा है, जो ऐसा है कि धोखा धोखा हुआ इस रिश्ते में। जहां पे आपके पर्सन गए हैं इनके साथ धोखा हुआ है। क्लियरली सुन लो, क्लियरली सुन लो। एस ऑफ कप, ये इंसान आज के डेट में अपने पास्ट को बहुत याद करता है और जिस पास्ट से वो निकल के गया उस पास्ट को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। पेज ऑफ वैंड, आपके पर्सन एज में आपसे छोटे हैं। कुछ लोगों में आप भी छोटे हो सकते हो और ज्यादा ही एज गैप है, कम से कम और कुछ नहीं तो किसी किसी में तो 15 साल का एज गैप है, किसी में 8 साल का है, किसी में 6 महीने का है, किसी में 6 साल का है, किसी में 4 साल का है, किसी में 3 साल का है, किसी में 10 साल का भी एज गैप हो सकता है। मैक्सिमम मुझे यहाँ 15 साल का एज गैप दिख रहा है। कैसे मिले आपके पर्सन? आपके पर्सन मिले हैं आपको ऑनलाइन और ये थर्ड पार्टी को भी मिले हैं ऑनलाइन। थर्ड पार्टी में गया इंसान आपको छोड़ के, द डेविल, आपके साथ थी कार्मिक रिलेशनशिप। लेकिन अभी ये थर्ड पार्टी जिसके पास गए हैं वो भी इनकी कार्मिक निकली। जैसे ये आपके कार्मिक थे वो इनकी कार्मिक है। टिट फॉर टैट, इधर करो उधर भरो। पेज ऑफ वैंड का कार्ड आया, ये इंसान आपके साथ बिताए हुए लम्हे को बहुत याद करता है। थर्ड पार्टी चाहे इसकी बाहों में भी हो लेकिन आज की डेट में इसे कुड़कुड़ाहट होती है, इसे इसे खिज मचती है। कहते ना खिजना, गुस्सा आना, इरिटेट होना। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जो दिखा रही थी वो थी नहीं, जो उसने अपना रूप दिखाया इनको वो एक्चुअली में वैसी थी ही नहीं। वो भी एक के साथ सेटिस्फाइड होने वाली नहीं थी, उसको भी बहुत सारी रिलेशनशिप रखने की आदत है और वो इनके गुस्से को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो इनके बिहेवियर, अगर ये जरा सा ऊंचा भी बोल देना तो वो बर्दाश्त नहीं करती। आपको तो इन्होंने गालियां तक भी दी होंगी शायद, लेकिन उसके सामने तो ये जरा सा ऊंचा साउंड करके भी नहीं बोलते। ये भी नहीं बोलते कि तुम कहाँ थी, लाइक एग्जाम्पल था, ये भी नहीं बोल सकता ये पर्सन उसको। अब क्यों नहीं बोल सकता, आप ये भी सुनो। बोल इसलिए नहीं सकता, इस इंसान ने कहीं ना कहीं उस सामने वाली पार्टी से पैसे भी लिए हैं। कई लोगों में ये भी हुआ, ये इंसान खुद में कैपेबल नहीं था, आपके साथ था जब तक, आपसे भी पैसे लिए हैं इसने। कम से कम 50% लोगों ने पैसा उड़ाया है इस पर्सन के ऊपर, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे शादीशुदा हो चैन मैरिड हो, कोई भी हो। थर्ड पार्टी के पास ये गया इंसान आपको छोड़ के, आपको दुत्कार के कि तुम, मतलब ये दुत्कार के नहीं गया, ये भगा है, ये पीठ पीछे वार करके भगा। इसने मिंटो स्किंटो में आपको ब्लॉक किया, मिंटो स्किंटो में दूसरी रिलेशनशिप में चला भी गया, आपको पता भी नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि ये शुरू से ही बहुत सारे ऑप्शन एक साथ लेके चलता है, इसकी फितरत ऐसी ही है। 30% लोगों में आपके पर्सन की फितरत सच में ही ऐसी है, वो किसी एक का होके रह नहीं सकता। बट अब उसको ना कर्मा मिल रहा है, अब उसको सामने वाला टक्कर, देखा एम्प्रेस, द एम्प्रेस के सामने द एम्प्रेस आ गई। ऐसा नहीं होता बुराई की जीत हमेशा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप अच्छे दिल के हो, आप रोते हो, कमेंट्स लिखते हो, छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, याद कर रहा हूं। मैंने देखा लड़के भी फक के रोते हैं मेरे सामने। मैं ये कहूं कि सारे लड़के बुरे हैं, नहीं, मैं कहूं सारी लड़कियां बुरी हैं, नहीं। लड़कियां तो रोती रोती हैं, मैंने लड़कों को भी रोते हुए देखा है। मैंने बात, मैं पर्सनल रीडिंग होती है जब लड़कों की, लड़के रोते हैं और लड़कियों से ज्यादा रोते हैं लड़के, कुछ इतने इमोशनल होते हैं। ये आपको छोड़ के गया कि मैं खुश रहूंगा बहुत, मैं थर्ड पार्टी में जा रहा हूं, लेकिन वहां जाके क्या मिला, स्टक हो गया ये इंसान। एट ऑफ सोर्ड्स स्टक हो गया, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सामने वाली पार्टी ने इसको धोखा दिया है। एस ऑफ कप, आपका प्यार इस बंदे को बड़ा याद आता है, जो लड़की है उसको भी बड़ा याद आता है। एट ऑफ कप आपको कैसे छोड़ के गया ये भी इसे बहुत याद आता है। मैंने बोला ना ये उसके साथ रहते हुए क्या करता है, ये उसके साथ रहते हुए भी आपको याद करता है आज की डेट में। फोर ऑफ कप, इस इंसान का थोड़ा धीरे धीरे, अगर ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे ये हट रहा है। अब इसका जो ध्यान है वो मेडिटेशन की तरफ जा रहा है, इसका दो है ना
कहते हैं कि एक भगवान का रास्ता सिलेक्ट कर लेना, उस रास्ते पे इसके कदम बढ़ रहे हैं, चाहते हुए जाने में अनजाने में ये उस रास्ते पे जा रहा है जहां भगवान इसको लेके जाना चाहते हैं। और क्योंकि इसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। पेज ऑफ एंड का कार्ड आया, आपको इसने ब्लॉक किया हुआ ये मुझे दिख गया। एट ऑफ पेंटिकल अपने काम पे फोकस करना चाहता है। शायद हो सकता है इतने सालों से इतने लोगों से भीख मांग मांग के थक गई हो, या भीख मांग मांग के थक गया हो, या इतने लोगों के साथ सेक्स कर करके थक गई हो, या इतने लोगों के साथ सेक्स कर करके थक गया हो, तो सोचा होगा कि एक दिन खुद को गाली दी होगी शीशे के आगे खड़ा होकर, ये क्या कर रहा हूं मैं किस लेवल का बन गया या मैं किस लेवल की बन गई, कहां पहुंच गया मैं, क्यों ना मैं थोड़ी सी मेहनत ही कर लूं, क्यों ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, क्यों मैं कुछ कर लूं जिंदगी में, मेरे को भगवान ने हाथ दिए हैं। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों से मैच कर रही है तो आप आगे कंटिन्यू रखो, अदरवाइज आप कोई और रीडिंग देखो। पेज ऑफ कप का कार्ड आया, आपके साथ न्यू दोबारा से शुरू करने का सोच रहा है ये रिश्ते को। अब जाना कैसे है, क्योंकि पीछे तो बहुत बुरा करके आया, और जो बुरा करके आया था वो फल भी आगे मिल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि ये कर्मा है। टेम्परेंस, आप लोगों के रिश्ते की हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ये रिश्ता बना रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इसको सीधे रास्ते पे ला रहे हैं। ये देखो एक इंसान किस मुद्रा में बैठा हुआ है, सोच रहा है लगातार, ये बंदा आपके बारे में सोच रहा है। फोर ऑफ कप के नीचे ही फोर ऑफ सोर्स आ गया, देख लो, सेम टू सेम, फोर फोर फोर, तीन बार हमें फोर दिख गया, ट्रिपल फोर भी आ गया, और चार बार आठ आया। जब आठ और चार नंबर दिखते हैं, इसका मतलब होता है कि एक नई शुरुआत होनी है, एक नया रास्ता हमारे लिए ओपन हो रहा है। जो हम किया है उसके ऊपर एक बार सोचें, कुछ ठीक कर सकते हैं तो हम ठीक करें, वरना हम हट जाएं वहां से, वरना हम दूर चले जाएं। और जो इंसान हमारी एनर्जी को खराब कर रहा हो उससे हमें दूर हो ही जाना चाहिए। सॉरी मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है। द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, इस इंसान ने आपको अपना ईगो हमेशा दिखाया, बहुत बहुत घमंड दिखाया। ये कार्ड मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, बट इसे समझ आ गया कि मेरी असली एम्प्रेस तो वही थी जिसको मैं छोड़ के आया हूँ। और ये इंसान, ये देख रहे हो, ये इंसान है ना, कश्ती चल रही है एक, अब ये तूफानों में से निकल के कश्ती किनारे की तरफ आना चाहती है। और जो लोग अभी तक बोल रहे थे, आज कम से कम 70% लोगों को फोन मैसेज आएगा आपके पर्सन का, ये देख लो, एट ऑफ वैंड, आज आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको आएगा। जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय वो इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। ये इंसान आप अपने पैसे पे भी काम कर रही है, अब आएगा ना, एकदम से नहीं बोलेगा आपको आके कुछ भी, बस इतना ही पूछेगा, हेलो कैसी हो, कैसे हो, ठीक हो, क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान इतना शर्मिंदा हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं सामने वाले से बात क्या करूं, मैं अपना क्या मुंह दिखाऊं, जो मैं 6 महीने से ब्लॉक करके बैठा हुआ हूं, जो मैं 8 महीने से ब्लॉक करके बैठा हुआ हूं, मैं बोलूं क्या? और मजा तब आ जाता है जब सामने वाला अहमियत ही ना दे, सामने वाला बोले ठीक हूं और सुनाओ, बंदे को लगे भाई इसने तो पूछा ही नहीं मैं क्या कर रहा था 8 महीने 10 महीने 1 साल कहां था मैं, क्या ये बदल गई, क्या ये बदल गया, क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया? आपका इतना सा बोलना उसके दिमाग के पर्दे फाड़ सकता है कि ये क्या हो गया, इसने तो पूछा ही नहीं कि मैं कहां था, मैं क्या कर रहा था, ये बदल गई, शायद इसकी जिंदगी में अब कोई और आ गया। बिकॉज आप लोग भी एम्प्रेस हो, आप लोग कम नहीं हो, अब इस बात को वो समझ गया है। अभी हम ले रहे हैं जो हमने मैसेज लिए थे, ये वाले रोमांस एंजल मैसेजेस, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखा, रीडिंग से मिलते जुलते, मैंने आप लोगों के सामने ये कार्ड लिए थे, मैंने तो देखे ही नहीं अभी क्या है इनमें। यूनिवर्स बोल रहा है अपने विचारों को, अपने दिमाग को, अपने दिल को फ्री कर दो, बिल्कुल ऐसे फ्री जैसे आप, जैसे इस पर्सन के आने से पहले आप जिंदगी में अकेले भी खुश रहते थे ना, जैसे जैसे बच्चे की 15-16 साल उम्र होती है, बच्चे को कुछ नहीं होता, बच्चा खाना खाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, मस्त टीवी देखता सो जाता है, फिर ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है, तब कोई नहीं था ना हमारी लाइफ में, सिर्फ बुक्स थी और टीवी था,
और पढ़ाई थी तब भी हम खुश रहते थे। तो क्यों ना फिर से एक बार वैसी ही लाइफ जिए जाए, वैसी ही लाइफ जिए। कोई था ही नहीं, कोई आया ही नहीं जिसके जाने का दुख हो। एक बार ऐसी थॉट्स भी रख के देखो आप लोग। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। देख लो अब मेरे को बताओ, ये वो डेक जो बचा और ये वो डेक मैसेजेस जो मैंने आप लोगों के लिए, बताओ मैं क्या करूं। अब बताओ कैसे रीडिंग से मिलते जुलते मैसेज आ रहे हैं कि उस नेगेटिविटी से निकलो। और अगर अगर एक इंसान टॉर्चरस है, आपको दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे रहा, तो हट जाओ उस जगह से, छोड़ दो उन थॉट्स को और आगे बढ़ जाओ। कोडिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। और कुछ लोगों में ये इंसान कैपेबल ही नहीं था। कैसे शादी करता, कहाँ रखता, झोपड़ी में रखता, सड़क पे रखता, कहाँ रखता, कहाँ लेके जाता। ये तो खुद दूसरों पे डिपेंड होके अपनी लाइफ जीता है। हो सकता है ये सिंगल, मतलब अपने इसके माँ बाप में से कोई एक हो ना दुनिया में, और ये अकेला हो और बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता हो या शराब पीता हो या जुआ खेलता हो, कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं इसमें। सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजोन। अभी आप लोग सेपरेशन में हो, ये तो हमें रीडिंग नहीं बता दिया, तैयारों ने पहले ही बता। हनीमून, इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडेज टाइम टूगेदर। बट कुछ लोगों में ये इंसान सुधर के आगे आ रहा है। आप लोग जो लिखते हो ना, उनको मैसेज आया हमें क्यों नहीं आया, उनको फोन आया हमें क्यों नहीं आया, तो डिवाइन टाइमिंग काम करती है। कार्ड सिर्फ एनर्जी बताते हैं, असली जो होना है ना आपकी जिंदगी में वो ऊपर वाले को पता है। जो उसने लिखा है डिवाइन टाइमिंग पे वो होना है। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। बट कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो नया इंसान आया, आप लोग उसके लिए भी सोचते हो, तो उसके लिए ये आंसर है कि हाँ वो आपका सोलमेट है। वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। और अब जो ये पर्सन वापिस आ रहा है ना धक्के खा के, ये अब शादी के लिए बोलेगा। आप लोगों के सामने मैसेज आया, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग टू साइन आर क्वेश्चनिंग यू। लेकिन यूनिवर्स ने ये भी साथ में बोला है कि अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग का साइन दिखता है तो बहुत समझदारी से चलना, इस बार फंसना नहीं है जाल में, इस बार जाल को ही कुतर देना है, जाल को ही काट देना है, किसी के जाल में नहीं फंसना इस बार। अगर आपको लग रहा है ना सामने वाला हमें फिर से पागल बना रहा है, इस बार आपने चुप नहीं रहना, इस बार आपने डट के मुकाबला करना है, और इस बार खोने से मत डरना। जो होगा वो जाएगा नहीं, और जो है नहीं हमारा वो रहेगा नहीं। बस अब गुट गुट के जीना छोड़ दो। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड द फेथ विल ब्रिंग योर आंसर। बट कुछ लोगों में जिनके पर्सन अच्छे हैं, जो बदल के आ रहे हैं, आपको ये सब नोटिस करना है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, और माफ करना भी सीखना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती, अब देखो एक एग्जाम्पल है, एक 100 बंदे अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो देखो 100 के 100 तो बुरे नहीं होंगे ना, 100 में से 2 लड़के ही सही, 2 लड़कियां ही सही जेन्युइन होंगी। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू आर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंटम। तो यूनिवर्स कह रहा है प्रेजेंट टाइम में जियो, और आपने इस रिश्ते में कोई लेसन सीखा है वो सीखो। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड द वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपके पर्सन को ना मैंने अभी भी बोला था कि उनकी उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ रहते हुए भी आपकी याद आती है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। और यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को लड़ना झगड़ना नहीं है, आप लोगों की सिचुएशन अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएगी, सब कुछ क्लैरिटी सब सामने आ जाएगा। एनर्जी ओरेकल डेक से मैसेजेस, क्या थर्ड पार्टी के साथ बड़े खुश हैं आपके पर्सन। स्ट्रेटजी, यूनिवर्स ने एक स्ट्रेटजी बना ली है आप लोगों को मिलाने की। एप्रिसिएशन, अब वो टाइम है कि इस इंसान को पता चल रहा है। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, पैसा 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 पैसा।
वॉकिंग अवे, पैसे के लिए गए ये इंसान दूसरे के पास या दूसरे के पास, कमिटमेंट कम्युनिटी ये देख लो, थर्ड पार्टी, पैसा। कितनी लेडीज आ गई यहाँ पे, एक दो, द टेम्पल पाथ। बट अब अंदर रखी आत्मा जवाब बोलती है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपके साथ रिश्ता खत्म करके गई। यही हमारे टैरो में आया, यही हमारे कार्ड्स में आया ऊपर, और यही देख लो, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। अब इस इंसान थक गया, बस थक गया मैं, मुझसे अब नहीं भगा जाता। और किससे भग रहा हूं, जो अच्छी थी उसी से भग रहा हूं, और जिसने सिवाय कुछ नहीं दिया मुझे, पागलों की तरह टॉर्चर किया, उसको मैं अच्छा समझ रहा हूं। अब पर्दा हट गया इस इंसान के सामने, और थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बहुत जल्दी ये इंसान उस रिश्ते से निकल के आपके पास आने वाला है, बहुत जल्दी। नंबर इंपॉर्टेंट है 21, 15, 42, 27, 7, 12, 10, 19, ठीक है। और अभी हम ले लेते हैं ये वाले कार्ड, एंजल मैसेज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बताओ, एंजल ने बोल दिया, इतनी देर से मैं भी बोल रही थी, चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए न्यू लव का भी कार्ड आया था, कुछ लोगों ने न्यू डायरेक्शन चूज कर लिया। कई लोग मुझे कमेंट में भी बोल रहे हैं, मैडम हमने नया लवर अपना ढूंढ लिया, ये मैंने नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लिया, मैंने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, मैं बहुत हैप्पी हूं। तो कांग्रेचुलेशन, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप और आपको प्यार करने वाले सब सेफ हैं। मेडिटेशन एंड द कंटेम्प्लेट, हमारे पास ये भी मैसेज आया, नीचे भी मैसेज आया था, आप लोग भी मेडिटेशन किया करो, बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना। किसी ने पूछा था पूर्ण गुरु की पहचान बता दो, पूर्ण गुरु की पहचान ये है, जो कोई नाम नहीं जपाएगा, जो आंखों से भगवान दिखाएगा। पूर्ण गुरु की पहचान वो है कि बंद आंखें होंगी, थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, और खुद वहां प्रकाश देख लोगे अपनी। बंद आंखों से प्रकाश जब दिखेगा तुम्हें बिल्कुल माथे के सेंटर में, तो समझ लो जो सामने वाला पूर्ण गुरु है। और मेरे गुरुदेव हैं गुरु आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। जब थक जाओ पूर्ण गुरु को ढूंढते ढूंढते, तो उस दर पे पहुंच जाना, मिल जाएगा वो, जिसको ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। अल्फाबेट, आज आप लोगों को एक वो मैसेज देती हूँ मैं, कि मैं रोज दे भी रही हूँ वैसे, आप लोग पता नहीं किसी ने सुना हो नहीं। फेसबुक पे मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ वो मैं किसी भी पेज पे अपलोड नहीं करती, किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं करती हूँ। तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से मेरा पेज है, और उस पर मैंने कल 4 वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने नहीं देखी होंगी तो देख लेना, उस पर मैं बहुत शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग देख लेना, हो सकता है किसी का नाम भी मैंने उस वीडियोस में बोला हो। और अब मैं जो फेसबुक पे वीडियोस डाला करूंगी उनमें मैं नाम भी बोला करूंगी, किसी एक इंसान का मैं नाम बोला करूंगी, तो आप लोग फॉलो कर लो, देखें किसका नाम आता है वहां पे। आज भी मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी तो एक नहीं, मैं 5 लोगों का नाम बोला करूंगी, क्योंकि बहुत 2 लोग देखते हैं ना, तो मैं बोलूंगी नाम, तो आप लोग सुनना, ठीक है। तो अभी आप फेसबुक पेज को फटाफट से फॉलो कर लेना मेरे, कैसे रखूं, चलो ऐसे ही रख दो, कोई नहीं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। JTNBNWWFPGNBSUELTEKZREZIJYHQSMFXQ, तो ये नाम हो, देख लेना, आपके पर्सन का कोई नाम हो सकता है इसमें, किसी का भी, तो आप पॉज करके देख लेना, ओके। तो अभी मैं ले रही हूँ इसमें मैसेजेस, थोड़े से मैसेज ले रही हूँ। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर लेना यूट्यूब पे, क्योंकि इंस्टा पे ये पार्ट्स में जाएगी, फिर आपको मजा नहीं आता। डिवाइन टाइमिंग भी आना ही था।
क्या मुझे भुला रहे हो धीरे धीरे। ओए होए बेचारा दिल दुखा हुआ। चॉकलेट, किसको चॉकलेट मिली थी? डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कुछ लोगों की। इंटरनेट, इंटरनेट का काम कर सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन इंटरनेट का काम करते हैं। गोल्डन हेयर्स, ब्यूटीफुल, इन्होंने आपको बोला हो ब्यूटीफुल। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने बोला होगा अपने पर्सन को। कार्मिक, द डेविल का कार्ड हमारे पास नीचे आया था। थैंक यू यूनिवर्स सेम मैसेज देने के लिए। क्या वो लड़का मुझसे ज्यादा अच्छा है? जेलसी, जेलसी, ब्लैक एंड वाइट, बहुत छुपाया गया है। कॉल और टेक्स्ट बहुत जल्दी आएगा इस आज की रीडिंग में। जिनको भी कॉल और टेक्स्ट आएगा फटाफट आगे मुझे बताना, मैं कम्युनिटी में डालूंगी। मुझे माफ कर दो, कर दो, कर दो। फ्लावर, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, मेरे व्यूवर से अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। मैं थक गया हूं, नहीं और भागो। मुझे हंसी भी आती कभी कभी जब वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली वो आता है। आई हेट लव बट आई लव यू। उन्होंने बोला मुझे नफरत है प्यार से पर तुमसे प्यार करता हूँ। लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हो गई? क्योंकि सच्चे इंसान को जब धोखा देते हैं ना तो भगवान भी साथ नहीं देता। माई फैमिली इज नॉट एग्री। इन्होंने बोला मेरी फैमिली नहीं मान रही शादी के लिए। मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बदल गया हूँ, हमें पता चल गया था। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। आप लोगों के सामने मैसेज लिया मैंने। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। हम मिले ही क्यों थे, ये तो डेस्टिनी में लिखा था। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और शेयर कर देना मेरी वीडियो को। देखो आज मेरा गला भी खराब था तो भी मैंने रीडिंग बनाई। तो आज प्लीज सब लोग लाइक करके जाना वीडियो को, सब लोग, ठीक है? फिर आप लोग कहते हो ना कि वीडियो क्यों नहीं बनाई, वीडियो क्यों नहीं बनाई। अगर मैंने गले खराब में भी बनाई तो प्लीज लाइक तो कर देना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज, और बेल बटन को भी पुश कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको न्यू वीडियो के आते रहे। ओके विज, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।